पानी नहीं, पानी फेंक कर और लड्डू फेंक कर मजाक उड़ा रहे हैं, वो डराने का व्यवस्था शांतिपूर्ण धरना में आकर के गुंडे करेंगे। भ्रष्टाचारियों की जमात गुंडा राज स्थापित करना चाहता है, एक पक्षीय कार्य करके भ्रष्टाचार पर प्रतिपक्ष के बाद आवाज को दबाना चाहता है। इसके हस्तक्षेप करने की मांग किया है कि बिहार में फिर से वो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहता है। देखिए इस वक्त राजभवन से बाहर निकल गए हैं तमाम जो बीजेपी के विधायक और एमएलसी हैं, वो पहुंचने के बाद अपने ज्ञापन सौंपने के बाद बाहर निकल गए हैं। और जिस तरीके से सदन के अंदर जो रवैया है सत्ता पक्ष के लोगों का, उसको लेकर ये जो है ज्ञापन देने पहुंचे थे और राज्यपाल से उन्होंने ज्ञापन दे दिया। इसको लेकर जो है तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं एमएलसी हैं वो अंदर जाकर निकल चुके हैं, और बाहर उन्होंने देने के बाद कहा कि बिहार में जंगल राज जैसी स्थिति हो गई है और सदन को सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं चलने दिया जा रहा है। अपने प्रश्नों को जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनके सामने पटल पर नहीं रखा देने जाया जा रहा है, इसको लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं और सदन जो है इसको लेकर सुने चल रहे हैं। और जिस तरीके से आज सदन के अंदर लड्डू खिलाई गई, पानी खिलाई गई, सीधे तौर पर विपक्ष के नेताओं ने कहा कि लड्डू नहीं था, यह जहर था और विपक्ष के नेताओं को ये लोग मारना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आवाजों को दबाना चाहते हैं। को लेकर यह सदन में आज हंगामा हुआ और सदन में हंगामा कल भी देखने को मिला और आज भी हंगामा हुआ। ऐसे में बजट सत्र चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, जब बाहर निकले हैं राज्यपाल से मिलने के बाद, ज्ञापन देने के बाद वो बाहर निकले हैं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप जरा गौर से सुनिए। भ्रष्टाचारियों की जमात गुंडा राज स्थापित करना चाहता है, एक पक्षीय कार्य करके भ्रष्टाचार पर प्रतिपक्ष के बाद आवाज को दबाना चाहता है, इसके हस्तक्षेप करने की मांग किया है कि बिहार में फिर से वो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहता है। और आप गुंडा राज में बिहार में स्थापित होने से पहले हस्तक्षेप करें और रोकें। क्या आपने क्या राज्य राष्ट्रपति शासन की मांग की है? हमने हस्तक्षेप करने के लिए कहा है, यह अराजकता का शासन नहीं चलेगा और विपक्ष की आवाज को दबाएगा तो फिर सदन से सड़क तक जन आंदोलन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि सदन सुना लग रहा है आप लोगों के, हम लोगों को तो सूचना क्यों सुना, एक पक्षीय क्यों कार्रवाई की है जो बेल में आया। हमने तो कहा था विपक्ष के नेता के नाते, हमने कहा कि ठीक है हमारे माननीय विधायक भी खेद व्यक्त करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के जिसने गाली दिया, सत्ता पक्ष के लोग बेल में आके धमकी दिया, उनसे भी खेद व्यक्त कराइए। वो पानी पिला रहे हैं, दूसरी तरफ मिठाई पिला रहे हैं। वो पानी नहीं, पानी फेंक कर और लड्डू फेंक कर मजाक उड़ा रहे हैं, वो डराने का व्यवस्था शांतिपूर्ण धरना में आकर के गुंडे करेंगे और गुंडा राज को स्वीकार करेंगे। ये 90 का दशक नहीं है, ये दशक 21वीं सदी के भारत का है और बिहार की जनता ये जातीय जहर के लहर से जो गुंडा राज स्थापित करना चाहता है कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तरीके से उन्होंने कहा कि हम हस्तक्षेप देखेंगे। तो आपने सुना कि इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर कहा कि सदन को सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं चलने दिया जा रहा है, विपक्ष की आवाजों को दबाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रश्नकाल है और प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको लेकर ये विवाद हो रहा है। और कल जो लखेंद्र पासवान हैं बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने माइक तोड़ने का आरोप लगा, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि माइक हमने तोड़ा नहीं था बल्कि उसे हम आवाज चेक कर रहे थे। इसको लेकर यह विवाद कल शुरू हुआ और आज भी इसको लेकर सदन में विवाद हो रहा था। और आज राज्यपाल से मिलकर उन्होंने ज्ञापन दे दिया और कहा है कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लगना चाहिए, राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में बहुत ही खराब स्थिति है और कहीं ना कहीं जंगल राज की स्थिति फिर से बिहार में बन चुकी है। यह विपक्ष के नेताओं का सीधा आरोप है। अपने सहयोगी कैमरामैन रवि के साथ बने रहें देश न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश न्यूज़।